Hey guys, welcome to my new vlog. और आज हम आ गए राजंगाव गणपति दर्शन करने के लिए, तो आपके भी थोड़ा दर्शन कराते हैं। राजंगाव गणपति जो कि पुणे के पास बहुत ही फेमस गणपति का मंदिर है, तो चलिए आपके भी दर्शन कराते हैं। मंदिर के पास वाला एरिया है, पीछे हमारी गाड़ी पार्क है। पहुंच गए राजंगाव गणपति, देख सकते हैं आप राजंगाव गणपति बप्पा के दर्शन करने वाले। जैसे कि आप देख सकते हैं अष्टविनायक गणपति जो बोले जाते हैं आठ गणपति, उनमें के एक गणपति बप्पा का ये जो मंदिर है राजंगाव महागणपति, और काफ़ी और प्रख्यात गणपति मंदिर है ये, और बहुत लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये गेट के बैक साइड का एरिया है, यहाँ से थोड़ा आगे यहाँ से दर्शन करने के लिए गणपति की मंदिर की ओर हम जा रहे हैं। कुछ कदम चलने के बाद ही राइट हैंड साइड में गणपति मंदिर आता है, तो जैसे कि अब हम गणपति मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये राइट साइड में गणपति मंदिर है, देख सकते हैं। और हम अब आ गए हैं अंदर मंदिर के अंदर, और कुछ ही सेकंड में अब हमारे दर्शन होने वाले हैं। ये अंदर का एरिया है, और ये अब हम गणपति बाप्पा के सामने हैं, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये अब हम आ गए हैं मंदिर के बैक साइड में। ये बारों के अंदर महादेव की शिवलिंग स्थापन की गई है पुराने काल में, जिसे देख सकते हैं आप। और ये राइट साइड में भी है एक मंदिर, और ये महादेव की शिवलिंग स्थापन की गई है, काफ़ी अद्भुत शिवलिंग है, पुराने काल से स्थापित की गई है। और ये बैक साइड का एरिया है मंदिर के, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये पूरी पत्थर में, काले पत्थर में बनाया गया है ये सब। ये एग्जैक्ट मंदिर का बैक साइड एरिया, ये पीछे से मंदिर दिख रहा है, ऊपर से क्लच दिख रहा है। और ये बारों है, बारों के ऊपर जाली लगाई है ये सेफ्टी के हिसाब से। और ये मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में पत्थर की बनाई हुई कमानें हैं, कमानों के अंदर ये पेंटिंग अभी बाद में लगाई गई होंगी शायद, लेकिन कमान काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो कि पूरी काले पाषाण में बनाई गई है, और डिज़ाइन काफ़ी बेहतरीन है, देख सकते हैं आप पूरा पत्थर में। और मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में एक शिवजी का और एक मंदिर है, बाहर श्री नंदी महाराज विराजमान है, और यहाँ से अंदर एंटर कर सकते हैं। यहाँ से अंदर जाने के बाद शिवजी की और एक लिंग स्थापन है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम अंदर एंटर कर गए हैं, काफ़ी अच्छी और पुराने काल में स्थापित की गई लिंग दिखाई दे रही है, अभिषेक हुआ है हमारे आने से पहले यहाँ पे। काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है यहाँ पे आने के बाद। और पूरा मंदिर काले पाषाण में बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं हेमाड़पंथी स्टाइल में ये मंदिर बनाया हुआ है, और पूरा पत्थर का है। इतना एक्यूरेट डिज़ाइन बनाना काफ़ी मुश्किल रहा होगा उस ज़माने में, जबकि इतने इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया गया है। और यह मंदिर के बाहर आते लेफ्ट साइड में पत्थर में काफ़ी बेहतरीन किया हुआ काम आपको नज़र आता है, जैसे आप देख सकते। ये छोटी छोटी रूम जो है पूरी ये पत्थर में बनाई गई है, देख सकते हैं आप, और पूरा हेमाड़पंथी स्टाइल में ये मंदिर बनाया गया है, देख सकते हैं। इतना डिज़ाइन बनाना इतना आसान नहीं है, पत्थर में एक्यूरेट गोल और सभी चीज़ें करना। और ये कॉलम्स पूरा पत्थर का है, ओरिजिनल पत्थर का उस टाइम में बनाया गया होगा, ये काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है, देखने को काफ़ी मनमोहक लगता है, काफ़ी प्रसन्नता होती है ये देखने के बाद। और ये गणपति बाप्पा के बारे में कुछ जानकारी दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पेंटिंग्स है
और यहाँ से स्ट्रेट बैक साइड में देखने के बाद ये रियल फुटेज है, फ़ोटो नहीं है, लेकिन दूर से देखने के बाद ऐसे लगता है जैसे कोई फ़ोटो होगा, लेकिन ये रियल है। ये पूरी कमाने एक के बाजू एक के बाद एक वहाँ तक लास्ट तक काफ़ी अच्छी लगती है। और ये मंदिर के बाजू में एक सभा मंडप जैसे बनाया गया है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक चप्पल स्टैंड है, यहाँ पे हम लोग हमारी चप्पल जूते जो भी वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रखा था, वो लेते हैं और पहनते हैं। ये मंदिर के बाहर का एरिया है, इसे वापस जाते टाइम लेफ्ट हैंड साइड में ये कार पार्किंग है। ये दो बड़े बड़े हाथी की प्रतिमा है इधर, काफी अच्छे लग रहे हैं, मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। राजनगांव पे रोड पे ही मंदिर है, हाईवे तो लग के देख सकते हैं, हाईवे है और ये मंदिर है, काफी अच्छा मंदिर है, काफी अच्छा लगा दर्शन करने के बाद। ये मंदिर के गेट के बाजू में पार्किंग एरिया है और काफी शॉप्स है यहाँ पे, नाश्ता वगैरह के होटल्स है, चाय पानी नाश्ता सभी मिलता है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आज सुबह का मनमोहक नज़ारा है यहाँ का, सुबह सुबह थोड़ा बारिश हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के बाद, मौसम काफ़ी मस्ताना है। तो चलिए गाइस, दर्शन तो हो गए, अब निकलता हूँ यहाँ से, पुणे में थोड़ा काम है वो करके फिर निकलेंगे औरंगाबाद, और मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।